यहाँ अगर काम मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मिलता है। खुश है बिहार सरकार से? क्या खुश रहेगा, कोई रोजगार तो चालू है ना, जो क्या घर पे बैठ के खाएंगे, जो घर में जो अन्न है वो खाएंगे, खत्म हो जाएगा। खाइएगा कहाँ से, कमाइएगा तभी तो। हाँ, तो रोजगार देगा तभी तो काम करेंगे। गए थे एक महीना पहले, बस हो गया बंद, मालिक ने सबको हिसाब दिया, घर भेज दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। एक बार फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे ही नौजवान हैं, ऐसे ही जो काम की तलाश में दूसरे राज्य गए थे, लेकिन फिर से वो अपने घर को वापस आए हैं। लगातार कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफ़ी भयावह होती जा रही है, लोगों को डरा रही है, परेशान कर रही है, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो आए हैं, जो नौजवान हैं दूसरे राज्य से आए, उनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सर। कहाँ रहते हैं? बिहार। यहाँ से नहीं, वहाँ बिहार रहते थे। बिहार क्यों वापस आए? वहाँ सर बेरोजगारी हो गया है, कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए मेरा काम नहीं है। वहाँ से आप लोग वापस आए हैं, फिर बिहार में भी तो सर बेरोजगारी होगी ना? बिहार में क्या करता है, बिहार किस उम्मीद से आए हैं? बिहार इसी उम्मीद से आए हैं, वहाँ बेरोजगारी हो गया है, बेटा गाँव चलेगा, वो भी अच्छा रहेगा। और भी यहाँ पर है कुछ लोग, वहाँ से बात करते हैं। क्या नाम आपका? आपका रहते हैं बिहार? अब आए हैं, एक बार बताइए उम्मीद को लेकर आए हैं। लगातार बिहार में कोरोना महामारी पैर अपना पसारते ही जा रही है, तो किस उम्मीद में आए हैं आप यहाँ? जो अपना खेत में काम करके अपना घर से जाके तो अपना खा सकते हैं। वहाँ पे पैसा भी नहीं देता है, वहाँ पैसा भी वहाँ है ना, पैसा भी ना। काम किए हैं वहाँ? काम किए हैं वहाँ? काम किए हैं, बोलता है लॉकडाउन लगे वहाँ पैसा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। वहाँ भी दिल्ली में हालत खराब है, हम यहाँ बिहार में आए हैं, दिल्ली में काम करते हैं। फिर आप जहाँ वापस आएंगे तो उम्मीद से अभी काम नहीं आना, घर में रोटी भी खा लेंगे सब माँ बाप के माँ बाप के साथ। क्या आपका जिले में जुड़ा लग रहा है? और जब काफ़ी दिन भाई कर रहे खड़े जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिल्ली से आए हैं एक लंबे सफर के बाद, कहीं से आपका कोई जांच वगैरह कुछ भी? फीवर चेक हुआ था। फीवर कहाँ? दिल्ली में चेक हुआ था। कहाँ रहते थे? हरियाणा में। हरियाणा में? हरियाणा में रह कर क्या करते थे? खोल का काम। काम अभी बंद हो चुका है? बंद हो चुका। कब गए थे दोबारा? जब लॉकडाउन लगा सब लोग घर वापस आ गए थे, उसके बाद फिर कब गए थे वहाँ? सितंबर में। सितंबर में गए थे, फिर काम बंद हो गया तो घर वापस आना पड़ रहा है। क्या करिएगा फिर यहाँ? घर पर रहिएगा। मालिक पैसा दिया? मालिक दिया पैसा 3,000 घर आने के लिए। घर आने के लिए दिया पैसा। अच्छा, खाना पीना खा के आप लोग हैं कि आप तो भूखले हैं? खाना पीना खा चुके। कहाँ रहते थे? हरियाणा में। हरियाणा में ही रहते थे सारे लोग? हरियाणा में ही रहते थे। तो यहाँ पे ये लोग हैं जो हरियाणा से आए हैं और अभी दरभंगा बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, हरियाणा से आप बिहार आए हैं, हालात सभी राज्यों की ख़राब हो रही है, बिहार में भी लगातार कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, यहाँ फिर आप कैसे अपना जीवन यापन करिएगा? जैसे घर पे सड़क वैसे नहीं, कैसे जीविका चलाइएगा? क्या करेंगे, आया तो रहने तो पड़ेगा ना, कैसे रहता है? फिर कोई काम की उम्मीद? तो लॉकडाउन खत्म होगा फिर वहाँ पर जाएंगे, बुलाएगा मालिक को। मालिक बुलाएगा तो क्या काम करते थे वहाँ? मैं तंदूर काम करता हूँ, तंदूर का रोटी बनाता हूँ। रोटी बनाते, होटल में काम करते थे वहाँ? यहाँ क्या करते थे वहाँ? अभी होटल में काम करते थे सारे। कितना कमा लेते थे आप लोग? ये सारे होटल में ही काम करते थे। कितना कमा लेते थे? कितना कमा लेते थे वहाँ? एक दिन का 300 रुपये, कुल मिलाकर के 9,000 रुपये से महीना। अच्छा, 300 रुपया कमाने के लिए आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, आपको बिहार में नौकरी या इस तरीके का रोजगार नहीं मिल रहा? बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा ना, इसीलिए वहाँ जाना पड़ रहा है। इसलिए जाना पड़ रहा है। अगर आप मांग करें बिहार सरकार से, क्या मांग करते हैं?
यही नौकरी मिल जाएगा, यहाँ काम मिल जाएगा तो वहाँ फिर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर काम मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मिलता है। खुश है बिहार सरकार से? ऐसे में क्या खुश रहेगा। बिहार सरकार ने चुनाव में भी कहा था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे अगर हमारी सरकार आई तो, पुनः एनडीए की सरकार बनी है। ये तो मुझे पता नहीं है। वोट नहीं दिए थे आप लोग? यहाँ थे नहीं इलेक्शन टाइम में? नहीं, होटल में वहाँ काम करते। अभी घर जा रहे, कहाँ घर हुआ आपने? हमारा बोटरी हुआ राजमणि का छिले। अच्छा, मणि का छिले। कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे अगर बिहार में जाएंगे तो ये करेंगे? क्या करेंगे, कोई रोजगार तो चालू है ना, जो क्या घर पे बैठ के खाएंगे, जो घर में जो अन्न है वो खाएंगे, खत्म तो हो जाएगा। खाइएगा कहाँ से, कमाइएगा तभी तो। हाँ, तो रोजगार देगा तभी तो काम करेंगे। गए थे एक महीना पहले, बस हो गया बंद। मालिक ने सबको हिसाब दिया, घर भेज दिया। मालिक ने खुद बोला है कि आप लोग अपना अपना। हाँ, तो बंद होगा तो मालिक कहाँ से पैसा कमाएगा, हम लोग को कैसे देगा? अच्छा, काम चलेगा जब वो भी देगा ना, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा घर चले जाइए। घर चले जाइए, सबको भेज दिया, हमें नहीं सारे को भेज दिया, जितने 25-26 स्टाफ थे। दिक्कतें आई आप वहाँ से जो लौटे तो? दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, साधन मिल रहा था आने का। किस चीज़ से आए हैं? बस से आए। बस से आए, भाई बस आए। हाँ जी। कितना किराया लगा है? 2000 रुपये। 2000 का किराया लगा है। और मैं जो भी प्रवासी मजदूर हैं अभी भी पलायन करने को मजबूर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते थे हम उनसे बातचीत कर रहे थे, ये उनका दर्द था अपने जो हमारे साथ बयान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ी संख्या में फिर से अपने घर लौटे हैं, फिर ये उम्मीद सजाए बैठे होंगे कि कब इनको रोज़गार मिलेगा, फिर अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे। तो लगातार हम आपके साथ इस प्रकार से बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम इसी तरीके से बाहर निकल करके